नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में एक साथ हुए, रिजल्ट भी दोनों ही राज्यों में एक ही दिन आया। अन्य चुनावों की तरह बीजेपी को दोनों में से किसी राज्य में बहुमत तो हासिल नहीं हो सका, लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अभी तक पिक्चर साफ नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र में बीजेपी पर शिवसेना दबाव बना रही है, वहीं बीजेपी अपने रुख को लेकर कायम है और शिवसेना के 50-50 के फॉर्मूले पर साफ इनकार कर चुकी है, जबकि शिवसेना को कहीं ना कहीं लगता है कि उसे बीजेपी पर इस तरह के दबाव का कोई ना कोई फायदा जरूर मिल सकता है। अब आपको बताते हैं ऐसे चार समीकरण या फिर ऐसे चार विकल्प जो महाराष्ट्र में बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो बीजेपी शिवसेना का गठबंधन जो महाराष्ट्र में सफल हो सकता है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। इस बार शिवसेना ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा और बीजेपी को कम सीटें भी मिली, तो शिवसेना को मिल गया एक मौका। अब सरकार बनाने के लिए जो मंगलवार को मीटिंग होने वाली थी, उसे भी अपनी जिद के चलते शिवसेना ने रद्द कर दिया। लेकिन शिवसेना की ये नाराजगी पहली बार नहीं है, हर बार शिवसेना इसी तरह बीजेपी से नाराज होती है, फिर सरकार भी इन्हीं के गठबंधन की बनती है। अब देखते हैं कि इस बार की बीजेपी शिवसेना गठबंधन की लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है। दूसरी संभावना या फिर दूसरा विकल्प है बीजेपी, निर्दलीय और छोटी पार्टियां, क्योंकि 105 सीटों के बाद बीजेपी को बहुमत के लिए कुल 40 सीटों की जरूरत है। अगर बीजेपी को शिवसेना का समर्थन हासिल नहीं होता है तो वो सभी निर्दलीय 13 उम्मीदवारों का समर्थन मिल सकता है, जिससे बीजेपी का आंकड़ा पहुंचेगा 118। फिर उसके बाद जरूरत होगी पूरे 27 सदस्यों की। छोटी पार्टियों के खाते में 16 सीटें हैं, जिनमें AIMIM भी शामिल है और CPIM भी, जिनका बीजेपी को समर्थन मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों की विचारधारा बीजेपी से काफी अलग है। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की, जो कि शिवसेना को NCP कांग्रेस का बाहर से समर्थन हो सकता है। ये गठबंधन और ये सरकार अगर बनती है तो काफी मायनों में अलग होगी। शिवसेना को 56 सीटें मिली है तो वहीं NCP के पास 54 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस को भी इन चुनावों में 44 सीटें हासिल हुई हैं। कुल मिलाएं तो 154 सीटें होती हैं बहुमत के आंकड़े से, जो कि काफी ऊपर है। और अगर ये संभावना बन गई तो ऐसा पहली बार होगा जब ठाकरे परिवार का सदस्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। पहली बार वर्ली से चुनाव जीते आदित्य ठाकरे सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। हालांकि ये विकल्प कितना कारगर साबित होगा ये तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के बाद एक विकल्प के तौर पर जरूर ये चीजें उभर कर सामने आई हैं। अब बात करते हैं पिक्चर के चौथे और आखिरी सीट की, जो कि साल 2014 की सरकार जैसा हो सकता है, यानी कि अल्पमत की सरकार चलाए बीजेपी। 2014 में भी बीजेपी ने अल्पमत की सरकार चलाई थी, तब कुछ दिनों तक तो शिवसेना विपक्ष में रही थी, क्योंकि NCP ने अपना थोड़ा सा समर्थन बीजेपी की झोली में डाल दिया था। अगर NCP का फिर एक बार बीजेपी को बाहर से समर्थन मिल गया तो संभव है कि शरद पवार और अजीत पवार के खिलाफ ED के आरोपों के मामले में पवार परिवार थोड़ी राहत जरूर महसूस कर सके और बीजेपी को तो फायदा हो ही जाएगा। ये चार विकल्प हैं जिनमें से किसी एक पर भी बात बन सकती है। हालांकि ये क्लियर बहुत ही जल्द हो जाएगा, लेकिन इन चारों विकल्पों में से किस पर मोहर लगेगी, एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी।